हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर वन रियल नंबर्स के अंदर एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस देखेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। लास्ट वीडियो में हमने इरेशनल नंबर को प्रूव करने के सम्स देखे, उसके अंदर हमने देखा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर हमें जो भी नंबर दिया हो उसको कुछ और लेट करने के बाद कैलकुलेशन करके जो कैलकुलेशन हमने किया है वो रॉन्ग है ऐसा हम प्रूव कर देते हैं, जिससे वो नंबर इरेशनल नंबर है ऐसा प्रूव हो जाता है। तो उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल रूट 5 इज इरेशनल प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट अस एज्यूम रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, ये हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि रूट 5 इज रेशनल। अगर रूट 5 रेशनल नंबर होगा तो वो किसी a अपॉन b फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर वो रेशनल नंबर होगा तो a अपॉन b फॉर्म में होगा। b को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो b रूट 5 इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे 5 का रूट यहाँ से निकालने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड तो बी रूट 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को हम a के डिवाइड में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिला b square is equal to a square upon 5। a square upon 5 का मतलब ये होगा कि ये 5 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, मीन्स 5 डिवाइड्स a square, ये मीनिंग होगा इसका। तो इस बात को हम लिख लेंगे यहाँ पे कि हियर 5 divides a square, 5 divides a square। और अगर 5 a square को divide कर रहा है तो 5 also divides a। अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा बाय थ्योरम 1.5 1.3। एग्जांपल से देखें तो अगर आपके पास 25 है जो 5 से डिवाइडेड है, ठीक है 25 है जो 5 से डिविजिबल है, तो ये 25 को अगर मैं 5 स्क्वायर लिखूं तो ये 5 जो है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर 25 5 से डिवाइड होगा तो 5 भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब कि अगर a स्क्वायर मतलब कि 5 स्क्वायर वो अगर 5 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो 5 है वो भी 5 से डिवाइड होगा, मीन्स a भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइव भी ए से डिवाइड्स होगा। तो हम यहाँ पे इस बात को सेंटेंस को रह के आगे यहाँ पे ए इज इक्वल टू 5 सी लेट कर लेंगे। सेकंड स्टेप,
ए इज इक्वल टू फाइव सी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाइव जो है वो फिक्स नंबर है, कॉमन नंबर है यहाँ पे, और सी जो है उसकी जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे 25 है तो 5 इंटू 5 आएगा, अगर यहाँ पे और कोई नंबर होगा तो वो 5 के मल्टीपल में होगा, ठीक है? तो कोई कौन सा नंबर हमें पता नहीं है तो वो उसके जगह पे हम ले लेंगे 5c, जहाँ पे c इज़ अ इंटीजर होगा। नाउ अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 5c स्क्वेयर होगा, सो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 25c स्क्वेयर, राइट? और ए स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास है 5b स्क्वेयर, सो 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू 25c स्क्वेयर होगा। अगर मैं 5 को यहाँ पे डिनोमीटर में ले लूँ तो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 5c स्क्वेयर, सो बी स्क्वेयर अपॉन 5 इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, ठीक है? बी स्क्वेयर अपॉन 5 इज इक्वल टू सी स्क्वेयर होगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बी स्क्वेयर जो है वो 5 से डिवाइड्स है, ठीक है? यहाँ पे ए स्क्वेयर 5 से डिवाइड्स था, यहाँ पे बी स्क्वेयर है वो भी 5 से डिवाइड्स है, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे 5 जो है वो ए स्क्वेयर से, वो बी स्क्वेयर से डिवाइड्स है, इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि हियर 5 डिवाइड्स बी स्क्वेयर, सो 5 ऑल्सो डिवाइड्स बी, ठीक है? अगर 5 स्क्वेयर बी स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो 5 बी को भी डिवाइड कर रहा होगा, हमने एग्जांपल से समझा, क्योंकि ये थियोरम ही है, थियोरम 1.3, ठीक है? थियोरम 1.3 के हमें ऐसा समझा है हमने। तो यहाँ पे ये हो रहा है फ्रेंड्स कि 5 जो है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब वो बी का भी फैक्टर है। 5 जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो ए का भी फैक्टर है, ठीक है? तो इसका मतलब ये होगा कि हियर 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि हियर 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ठीक है? लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्स कैसे हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 जो है वो ए और बी दोनों का कॉमन हो सकता है? तो ये कॉन्ट्राडिक्ट होने के रीज़न है कि हमने जो यहाँ पे एजप्शन किया है वो क्या है? रॉन्ग है, ठीक है? यहाँ पे बट दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी जो है वो तो को प्राइम है, तो वो कॉमन फैक्टर कैसे हो सकते हैं, ठीक है? तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हैंस आवर एग्जप्शन, हमने जो यहाँ पे एज्यूम किया है कि रूट 5 इज रेशनल इज रॉन्ग, वो हमारा गलत होगा। अगर हमारा एब्जप्शन रूट 5 इज अ रेशनल इज रॉन्ग, देन व्हाट इज राइट? तो राइट क्या होगा कि रूट 5 इज अ इरेशनल, सो
we can say that root 5 is irrational. ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि रूट फाइव जो है वो क्या होगा, इरेशनल होगा. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन टू के अंदर हमें कहा है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल. ठीक है, 3 + 2√5 इज अ इरेशनल है, ऐसा हमें प्रूव करना है. तो अगेन जो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का हमें यूज़ किया वही यहाँ पे भी यूज़ करना है, कि हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम कर लेंगे, लेट एज्यूम 3 + 2√5 इज रेशनल. ठीक है, ये रेशनल है ऐसा हम एज्यूम कर लेंगे. अगर ये रेशनल है तो ये कुछ a ओपन b फॉर्म में होगा. ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है तो वो a ओपन b फॉर्म में होगा. सो हम यहाँ पे प्लस 3 को राइट साइड ले लेंगे, तो 2√5 इज इक्वल टू a ओपन b माइनस 3, ये हमें मिलेगा. सो 2√5 इज इक्वल टू b को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस 3b ओपन b, हमें इस टाइप का फॉर्म मिलेगा. यहाँ पे a और b जो है वो एज अ इंटीजर होगा. ठीक है, और अगर ये इंटीजर नंबर है, ठीक है, आप कहोगे इंटीजर कैसे है, तो 3 + 2√5 ये रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर a ओपन b फॉर्म में होता है. और आपको पता होगा कि रेशनल नंबर्स में नंबर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं, राइट. आपने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा है, मतलब a और b ये दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे. तो यहाँ पे इंटीजर्स के बीच में सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इंटीजर्स माइनस इंटीजर्स, तो भी आउटपुट इंटीजर्स ही मिलेगा. इंटीजर्स डिवाइड्स इंटीजर्स, तो आउटपुट इंटीजर्स ही मिलेगा. इसका मतलब यहाँ पे 2√5 जो है वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा. और इंटीजर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, सो 2√5 भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा. सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हियर ए एंड बी आर इंटीजर्स. ठीक है, सो a माइनस 3b अपॉन b इज ए रेशनल नंबर. a एंड b इंटीजर्स, तो a माइनस 3b अपॉन b रेशनल नंबर्स होगा. अगर ये रेशनल नंबर्स है तो मीन्स ये रूट 5 जो है वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा. ठीक है, सो यर 2√5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर. लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 जो है वो तो क्या है, इरेशनल नंबर है. ठीक है, रूट 5 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है. तो यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट. फैक्ट हम जानते हैं कि रूट 5 जो है इज अ इरेशनल. तो इसका मतलब ये होगा, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इज रॉन्ग. अगर हमारा एजम्पशन 3 + 2√5 इज अ रेशनल ये रॉन्ग है, तो राइट क्या होगा, तो राइट ये होगा कि 3 + 2√5 इज अ इरेशनल. सो वी कैन से दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल.
ठीक है, ये हमारा प्रूव होगा। तो ये फ्रेंड्स प्रूव करने की जो मेथड है वो है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जिसके अंदर हमें सब क्वेश्चन के अंदर यही मेथड को आपको फॉलो करके उनको प्रूव करना है। तो प्रैक्टिस करके आपको इसको याद रख लेना है कि ये कैसे प्रूव होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल्स, जिसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन दिए है, 3 सम्स दिए है, वो आपको होमवर्क में खुद से करने हैं, ठीक है। थैंक यू।